हाय फ्रेंड्स, मैं ऋषि भार्गवा आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें गैलेक्सी S7 एज और रेडमी नोट 4 को मैं साथ साथ कंपैरिजन करूँगा, रिव्यू करूँगा, क्योंकि ये दोनों अलग कैटेगरी के फ़ोन्स हैं तो मज़ा आएगा इनका रिव्यूज़ करते हुए, स्पीड टेस्ट करते हुए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ गैलेक्सी X7 को निकाल के। S7 एज जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट फ़ोन है, इसको मैं पिछले काफ़ी 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और ये नया एडिशन टू माय मोबाइल फ़ोन्स फैमिली रेडमी नोट 4। सो इन दोनों को रिव्यू करने से पहले मैं इन दोनों को रिबूट करता हूँ पहले, साथ में रिबूट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा फ़ोन जल्दी रिबूट होता है। एंड नाउ दे आर शटिंग डाउन एंड दे विल स्टार्ट। दोनों ही गोल्डन कलर हैं। आप देखिए कि सैमसंग का गोल्डन थोड़ा ज़्यादा गोल्डनिश है एंड ये थोड़ा रोज़ गोल्ड और लाइट कलर का गोल्ड है। दोनों रिस्टार्ट हो रहे हैं, दोनों ही गोल्डन कलर में हैं, लेकिन ये गोल्ड जो रेडमी नोट 4 का गोल्ड है ये कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है आजकल, टुडेज़ इन सेगमेंट में आता है। और ये थोड़ा ओल्ड स्टाइल का हो गया, बट ये देखिए रेडमी नोट 4 अभी स्टार्ट नहीं हुआ बट गैलेक्सी S7 इज़ रेडी टू यूज़, थोड़ा सा बेटर है इन दोनों में। अगर मैं दोनों की बात करूँ तो दिस S7 एज इज़ 4 GB रैम एंड 32 GB इंटरनल मेमोरी एंड दिस कम्स विद 32 GB इंटरनल मेमोरी एंड 3 GB रैम। तो 1 GB इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। और दोनों ही फ़ोन बहुत खूबसूरत हैं। ये थोड़ा एज स्क्रीन के साथ आता है एंड दिस कम्स विद फ्लैट 5.5 इंच स्क्रीन, बट थोड़ा सा कर्विश स्क्रीन है, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा कर दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा है ये फ़ोन भी, लेकिन प्राइस डिफरेंस इज़ वेरी वेरी हाई। दिस इज़ अराउंड 1100 रुपीज़ फ़ोन एंड दिस इज़ 55,000 रुपीज़ फ़ोन। दिस इज़ क्वाइट लाइटर एंड दिस इज़ क्वाइट हैवियर। इसमें 4000 mAh की बैटरी है रेडमी नोट 4 में और S7 एज में 3500 mAh की बैटरीज हैं। अगर मैं बात करूं इनके ऑपरेटिंग सिस्टम में तो S7 एज इज़, मैंने इसको अपडेट ले लिया है, तो अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर को देखता हूं तो सॉफ्टवेयर इज़ 7.0 नोगेट। और अगर मैं इसकी बात करूं रेडमी नोट 4 की तो मैं इसके अंदर अगर अबाउट फ़ोन में जाता हूं और इसका अगर मैं वर्जन एंड्रॉयड वर्जन देखूंगा तो इट्स मार्शमेलो। तो दोनों के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम S7 एज इज़ लेटेस्ट 7.0 एंड दिस इज़ मार्शमेलो एंड दिस इज़ नोगेट। तो ये एक डिफरेंस है। अब ये वाला अपडेट Redmi Note 4 में कब आता है आई डोंट नो, बट Samsung का भी लेटेस्ट 2 हफ्ते पहले आया है। तो कुछ कॉमन स्पीड टेस्ट हैं। सबसे पहले मैं एंटीटू बेंच मार्क दिखाना चाहूँगा आपको कि S7 एज जब मैंने इसको टेस्ट किया तो 85,027 आया एंड दिस इज़ 58,001, जो कि काफ़ी डिफरेंस है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो S7 एज मच मच सुपीरियर देन Redmi Note 4। और अगर मैं S7 एज की बात करूँ तो इसकी जो 64 GB 128 GB की मेमोरी है इसमें ये 150,000 के आसपास ये जाता है। इसके अलावा इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आगे दिया हुआ है, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ दिया हुआ है। S7 एज में इट्स हार्ट बीट मोनीटर है। और अगर मैं हार्ट बीट मोनीटर को चेक करूँ तो हार्ट बीट मोनीटर एक्यूरेट बताता है। अभी मैं अगर ये देखूँ तो देखिए आप रेड्स लाइट जल रही है, हार्ट बीट मोनीटर हार्ट बीट चेक कर रहा है। तो ये एक एडिशन है इस फ़ोन के अंदर। और
इट्स क्वाइट नॉर्मल राइट नाउ इट्स 81 बीट्स पर मिनट जो कि नॉर्मल है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का सिटिंग के लिए. तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ एस हेल्थ एक ऑप्शन आता है जो कि स्टेप्स भी बताता है लेकिन इसमें एस रेडमी नोट 4 में ऐसा कुछ नहीं है. तो अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो N22 में S7 इज़ बेस्ट, इन दोनों में से बेटर है. और अगर मैं अब एक एक करके मैं जाता हूँ इनकी, अब सबवे सफ़र को देखते हैं 1, 2, 3 कौन सा जल्दी. ये देखिए रिस्पांस रेडमी नोट 4 में ज़्यादा है, जल्दी ये स्टार्ट हुआ है. तो लेट्स सी विच वन विंस. मुझे लग रहा है रेडमी नोट 4 जीत गया है इसमें. तो रेडमी नोट 4 काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होने के बावजूद भी इसमें इन दोनों के अंदर ये जीतता है. इसके बाद मैं व्हाट्सएप खोल के देखता हूँ, दोनों यूज़र 1, 2, 3. रेडमी नोट 4 अगेन स्लाइटली बेटर. इसके बाद मैं जीमेल खोल के देखता हूँ तो 1, 2, 3 अगेन रेडमी नोट 4. आई डोंट नो व्हाई, इट्स अ 3GB वर्जन, इट्स अ 4GB वर्जन, लेकिन रेडमी नोट 4 इज़ विनिंग. अगर मैं कैंडी क्रश सोडा खोलता हूँ फिर अगेन रेडमी नोट 4 थोड़ा रिस्पांस ज़्यादा ले रहा है, जल्दी ले रहा है, क्योंकि शायद इसका जो इंटरफेस है नाउ रेडमी नोट 4 इज़ अ लूजर हेयर. सो नाउ द पॉइंट इज इट्स, अगर आप 11,000 की बात करते हैं और ये 55,000 के फ़ोन की बात करते हैं तो मैं कहूँगा इट्स अ वैल्यू फॉर मनी. ये थोड़ा सा लग्जूरियस और प्रीमियम सेगमेंट में आता है, थोड़ा हाथ में जब कोई लेके चलता है तो इट्स अ स्टाइल स्टेटमेंट. तो ये सारी चीज़ें. उसके बाद और भी मैं मैप्स खोल के देखता हूँ. तो आई विल डू विद मैप्स 1, 2, 3. सो इट्स फास्टर इन S7 Edge. उसके बाद और भी हैं YouTube. तो YouTube लवर्स के लिए 1, 2, 3. सो रेडमी नोट 4 इज़ अ विनर हेयर. सो दे आर बोथ ऑन 4G नेटवर्क, दे बोथ वर्किंग ऑन द सेम नेटवर्क. प्ले स्टोर खोल के देखते हैं, इट्स अगेन रेडमी नोट 4. सो यू कैन से दैट मी स्टोर खोल के देखते हैं, सो अगेन रेडमी नोट 4 अ विनर. सो आउट ऑफ 11 आई हैव टेस्टेड अगेन अ फ्लिपकार्ट रेडी 1, 2, 3 रेडमी नोट 4 अगेन. सो आउट ऑफ 11 एप्स ट्रू कॉलर इज है, ट्रू कॉलर यस रेडी 1, 2, 3. इट्स S7 Edge है. आउट ऑफ 12 apps, it's 8 to 9 apps in Redmi Note 4 and 2 to 3 apps in S7 Edge. But as price, agar main dono ki baat karun to bahut zyada difference around 40,000. Lekin ye thoda premium segment mein aata hai, thoda 6-6 mahine purana ho gaya, saal bhar purana ho gaya. S8 ki baat ho rahi hai aane ki. Aur ye Redmi Note 4 thoda latest hai. To मैं सजेस्ट करूंगा अगर 11,000 रुपये में आपको ये डिवाइस मिल रही है और S7 Edge 50,000 की रेंज में आता है तो इट्स बेटर कि रेडमी नोट 4 में ही बंदा जाएगा. बट हाँ, अगर एज स्क्रीन में जाना है, एडिशनल फीचर्स हैं, प्रीमियम फ़ोन की लुक्स चाहिए तो S7 Edge इज़ बेटर. इन दोनों का कंपैरिजन अलग अलग सेगमेंट में बहुत टफ है कंपेयर करना, बट हाँ क्योंकि दोनों फ़ोन मेरे पास हैं इसलिए मैंने किया इसको. मेरे को कुछ डिमांड भी आई थी मेरे चैनल पे कि आप S7 Edge और रेडमी नोट 4 को कंपेयर करके बताइए. तो इन दोनों को देखता हूँ, दे बोथ लुक गुड. दोनों अलग सेगमेंट के हैं. S7 Edge इज़ स्मॉलर देन रेडमी नोट 4, थोड़ा पतला है. इनका कंपेरिज़न नहीं है हार्डवेयर में बट सॉफ्टवेयर में स्लाइटली बेटर है रेडमी नोट 4. आई डोंट नो व्हाई नोगेट में आता है बट इट्स टेस्टेड.
So thank you for watching my video, and keep checking my channel for new videos. Subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye, friends. Bye. Thank you.